कोलकाता के आर जीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर बिटिया के रेप और उनकी निर्मम हत्या को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर मामले में हस्तक्षेप किया। गुरुवार को इस मामले में शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई के दौरान पूरे मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही बरतने की बात कही। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कहा कि मौके पर वह वारदात से छेड़छाड़ की गई। इस कारण वारदात के पीछे किसी साजिश की आशंका से अब तक इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की ओर से की गई लीपापोती की वजह से इस वक्त पूरे देश में वो निशाने पर है। हर कोई ममता दीदी से एक बेटी के साथ हैवानियत का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन दीदी मामले को मैनेज करने में जुटी हुई। राज्य की सरकार, उनकी पुलिस, उनका प्रशासन और उनके हर चीज उनके फिर भी इस घटना को लेकर सड़क पर उतरी है। घटना के वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष को बचाने की कोशिश की गई। उनके इन कदमों से पहले ही राजनीति और घटना को दबाने की कोशिश की वजह से अभी सब हो रहा है, लेकिन दीदी ने गुरुवार को एक बार फिर खुलेआम दिखा दिया कि वो इस मामले पर राजनीति करने से बाज नहीं आएंगी। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कोलकाता पुलिस पर उठे सवाल के बाद एक बार फिर इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर दी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर देश में रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की। ममता दीदी, आपको पता है कि पीएम मोदी इस वक्त देश से बाहर है, वो यूक्रेन और पोलैंड के अहम दौरे पर है। आपकी मांग बेशक जायज हो सकती है, लेकिन आपकी टाइमिंग ऐसी है कि कोई भी आम इंसान कह सकता है कि आप राजनीति से बाज नहीं आएंगी। बीते 13 दिनों से आपके राज्य में आरजीकर की घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। अपने पहले इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की, फिर जब पानी सिर के ऊपर निकल गया तो कोलकाता हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोर्चा संभाला, तो आप थोड़ी बहुत कार्रवाई करती थी। ऐसे में आपकी नियत पर सवाल उठना तो लाजमी है। आप बीते 13 दिनों से मामले को दबाने में लगी पड़ी हैं। आपकी पुलिस निकम्मी साबित हुई, वो बहाने पर बहाने ही बनाती रही और उस वक्त आपको राजनीति के अलावा कुछ याद नहीं आया। अब जब बात हाथ से निकल गई है तो सुप्रीम कोर्ट की मामले की निगरानी कर रहा है, तब आप जनता का ध्यान भटकाने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिख रही हैं। दीदी, ये तो ठीक नहीं है। आप राजनेता हैं और राजनीति करनी चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर बेटी की लाश पर नहीं। ये एक महिला सीएम के लिए शोभा नहीं देता। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।